इसको किसने मारा बेटा? इसको गोली किसने मारी? घर फादमा उस रात को कौन कौन था? मम्मी और मम्मा और मैं। अच्छा उस रात को क्या हुआ था? रोड़ी। क्या हुआ था? अच्छा रोड़ी। किसने मारी थी? मम्मी। मम्मी को जानती हो? नहीं। जानती हो आप? दिखाऊंगा पहचान जाओगी। हाँ। दिखाओ भाई तस्वीर दिखाओ। अच्छा ये कौन है? वो कौन? मम्मी। गोली किसने मारी थी? किसने मारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा मंगोपीर में आए अंधोनाग वाक्य की, जहां एक खातून की बॉडी मिली और सबसे जो तकलीफदेह बात है, उस लाश के साथ एक 3 साल बच्ची बैठी हुई मिली। पुलिस जराये के मुताबिक मुमताज़ नामी खातून उनकी किसी समी नामी शख्स से दोस्ती थी और 6 महीने से ये उससे बात नहीं कर रही थी, तो समी जो है इस पर नाराज़ हुए और इस खातून जो मुमताज़ है इसने समी को छोड़ के किसी अली नामी शख्स से जो है चक्कर चलाया। ये बात जो है समी को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने जो है किसी बहाने से जो है इसको मुमताज़ बेगम को जो है सरजानी के इलाके 4K चौरंगी और इससे आगे की तरफ बहाने से बुलाया। और जब अच्छा बुलवाया भी इसने जो है अली जिससे चक्कर चलाया खातून का, इसी अली नामी शख्स से समी ने पैसे का लालच देकर बुलाया। जब ये मुमताज़ बेगम वहाँ पहुँची तो इसके बाद दोनों में तलख कलामी हुई, समी में और मुमताज़ में। इसके बाद समी ने पिस्टल निकाला और गोली मार दी। जब गोली मारी तो उसी वक्त जो है मुमताज़ बेगम जो है जहाँ पर ना हो सकी और जहाँ भाग हो गई। तो इससे तकलीफदेह बात जो समी जो है उसकी खातून की 3 साल बच्ची को बाइक पर बिठा कर कहीं दूर ले गया और वहाँ उतार दिया। पुलिस जराये के मुताबिक ये बच्ची रात के अंधेरे में किसी भी तरीके से बहुत काफ़ी दूर धारा पुलिस जराये के मुताबिक ये बच्ची ढूंढती अपनी माँ की लाश के पास पहुँच गई और रात भर अपनी माँ की जो है लाश है उसके साथ बैठी रही। पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक अच्छी कारकर्दगी कहूँगा मैं, पुलिस ने अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 मुलजिमान जो बच्ची को जब इन्होंने इंट्रोगेट किया, बच्ची तफ्तीश की, बच्ची ने अपनी तुतलाती जबान में समी का नाम लिया, समी का बताया कि समी ने जो है मेरी माँ को गोली मारी। तो इस तरह पुलिस ने फौरी तौर पर जो है 2 मुलजिमान समी और अली को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, मुलजिमान कैफर किरदार तक पहुँच जाएंगे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएं? आए रोज़ इस तरह के वाक़यात, कभी निमरा कभी दुआ जहरा, तो इस तरह के वाक़यात रोनुमा क्यों हो रहे हैं? आखिर इसमें किसका कसूर है? माँ बाप का, हमारे माशरे का, या ये हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई मोबाइल फ़ोन? तो ये हम सब के लिए जो है सोचने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं वालदैन से कहूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको मोबाइल जब आप देते हैं तो मोबाइल इनके रोज़ाना चेक करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाक़यात जो देखने में आ रहे हैं इसी मोबाइल की वजह से आ रहे हैं। तो मैं इस पर मज़ीद आगे भी बात करूँगा, फ़िलहाल मैं अपने वालदैन से ये कहूँगा कि इस वक्त जो है अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर नज़र रखें।